ये मैंने एक कप मूंग की धुली हुई दाल ली है। मूंग की दाल को हम नॉर्मल वाटर से अच्छे से रगड़कर 3-4 बार धो लेंगे। अच्छे से रगड़ेंगे, धोकर इसके झाग हैं झाग निकाल देंगे, जो सफेद पानी होता है उसको भी निकाल देंगे। इसको हम तब तक धोएंगे जब तक पानी हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए, और इसको 2-3 घंटे के लिए ढककर फूलने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे हो गए, हमारी दाल फूल गई है। अब हम इसका छान कर पानी निकाल देंगे, और छान कर पानी निकालने के बाद इसको हम मिक्सी के मसाले पीसने वाले जार में ऐड कर देंगे। तो सारी दाल को मसाले के जार में डाल देंगे और हम इसको बिना पानी के ही पीसेंगे। आप चाहें तो 2-4 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन हम बिना पानी के ही पीसेंगे। तो हमारी दाल पिस गई है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बिल्कुल फाइन दाल पीसी है मैंने, और बाउल में निकालने के बाद इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, 1/3 चम्मच हल्दी, और 5 चम्मच ऑयल की कुकिंग ऑयल। सबको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच में तेल लगाया, उसको भी हटा लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल को, जिससे हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। और इसको सारे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने इसमें 2 कप मैदा ऐड किया है। अगर आप फूली हुई दाल के हिसाब से मैदा ले रहे हैं तो 2 कप हमारी फूली हुई दाल हो गई है, 2 ही कप मैदा लेंगे। अगर सूखी दाल के हिसाब से ले रहे हैं तो 1 कप मूंग दाल है और 2 कप हम मैदा लेंगे। तो मैदा को हम ऐड करने के बाद अच्छे से इसका, जैसे हमारा रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको आटे को लगा लेंगे। अच्छे से मिक्स कर करके इसका डो लगाएंगे। हाथों में थोड़ी चिपकती है ये, लेकिन बड़े आसानी से लग जाती है। अगर थोड़ी बहुत आपको पतली लगे तो इसमें थोड़ी सूखी मैदा और लगा लीजिए। इसमें थोड़ा सा तेल और डाला है मैंने, जिससे हाथ चिपक रहे हैं और हमारा बर्तन भी नहीं चिपके। इसको बिल्कुल बहुत अच्छा सा सॉफ्ट डो लग गया है, बिल्कुल रोटी पराठे की तरीके। देखिए अब हाथों में भी नहीं चिपक रही हमारी। और सारा डो लगाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। अब हम इसके लिए थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो ये 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है मैंने, और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से, बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा मिक्स करके। कोई गुल्ले नहीं रहेंगे, कोई गुठली नहीं रहेगी। इसका इस्तेमाल होने वाला है इसमें। अब हमने चकला बेलन लिए हैं और रोटी या पराठे के आकार का हम लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद इसको बिल्कुल रोटी या पराठे की तरह बेल देंगे। बहुत आसानी से बेल लेंगे इसको, बिल्कुल टाइट नहीं है क्योंकि रोटी पराठे की तरह ही डो लगाया है। अब हमने जो घी का और कॉर्नफ्लोर का मिक्स बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा इस पर परत लगाएंगे। इसके ऊपर परत लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से लगाएंगे घी, और दोबारा से घी लगाने के बाद इसको फिर से फोल्ड करेंगे। फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे इसको, और सूखे आटे में लपेटने के बाद फिर से इसको बेल लेते हैं। अब इसको बेलने के बाद हम इसके ऊपर फिर दोबारा से घी लगाएंगे। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करारा नाश्ता बनेगा, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है। और घी लगाने के बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, साइड से फोल्ड करेंगे, और वापस से इस तरह फोल्ड करेंगे। फिर से सूखा आटा लगाएंगे, और सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम लंबा लंबा बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे क्योंकि अब इसमें घी लग चुका है। हमारा ये बेल गया, अब हम इसकी अपने हिसाब से कटिंग कर लेंगे। पहले लंबाई में से कटिंग किया मैंने, आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरीके से कटिंग कर लीजिए, छोटे छोटे पीस, बड़े बड़े पीस। तो इसको कटिंग करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने 2 तरीके से कटिंग की थी।
अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं सबको। बड़े आराम से उड़ जाएंगे, चिपकेंगे नहीं चकली के पे बिल्कुल भी। और प्लेट में निकालने के बाद मैंने घी गरम होने रख दिया, और घी को हम तेज गरम नहीं करेंगे, धीमा धीमा ही रखेंगे, बहुत हल्का, जैसे कचौड़ी बनाने के लिए रखते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से सॉफ्ट रह जाएगी। ये मैंने इसमें जितनी लोई बनाई थी वो सारी डाल दिए इसको, और इसको धीमी धीमी गैस पर ही हम सेकेंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता बनेगा, और बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत टेस्टी, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस के लिए लो ही रखेंगे हम। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा, आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकालते हैं। निकालने के बाद इसमें जो तेल है उसे भी रोक के छान लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि तेल साथ में जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तेल को हम गर्म नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। देखिए लो फ्लेम रख रखी है मैंने, और ये मैंने दूसरे शेप में काटे हैं, दूसरे शेप में चौकोर चौकोर में। देखिए इस तरीके से आप किसी भी शेप में अपनी मनपसंद अनुसार जो भी शेप आपको अच्छी लगे उस शेप में कटिंग कर सकते हैं। ये भी सीख गए हमारे, इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी दाल का जितना भी डो है हमारा सभी के सेक लेंगे नाश्ता। मूंग दाल का नाश्ता घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।